हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का आरजी स्टडी में। बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, पार्ट टू है आपका। पार्ट टू जी एंड जी के का है। बहुत सीरीज है, 100 क्वेश्चन है, भी रहेगा। 100 क्वेश्चन का एक अपलोड कर दिया गया है, जो लोग नहीं देखे हैं जाके उसको देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो लोग का एग्जाम हो चुका है वो ज़रूर अपना क्वेश्चन बताएं, ताकि दूसरों का भी हेल्प हो सके। ठीक है, आप सभी लोगों का ये परिवार ही है, तो परिवार में सभी हेल्प करना चाहिए सभी लोगों को। तो भेज दीजिए अपना क्वेश्चन, ताकि दूसरों लोगों को भी मिल सके वो क्वेश्चन। और जैसे ही मुझे मिलेगा क्वेश्चन, कहीं से भी मिलता है, मैं आप लोगों के हल लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़रूर ज़रूर जुड़े रहिए आप लोग चैनल से। ठीक है, तो इससे पहले जो लोग भी नए हैं चैनल पे, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिले आपको तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए, दैट इज़ द पैनासिया जो सीरीज चल रही है, इसकी जो दूसरा वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट टाइम पैनासिया का। चलिए, आपका है 2019 के अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए न्यूनतम पेंशन आश्वासन योजना शुरू की है। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री क्या है आपका? तो प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना है। ठीक, इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट है कि वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में उल्लंघन किया गया, उल्लेख किया गया आपका, किसमें उल्लेख किया गया है? तो ये आपका किया गया है कि 300 में किया गया है, कि 390 में किया गया है, कि 320 में किया गया है, कि 280 में किया गया है, तो किस में किया गया है? 280, 280, आर्टिकल 280। ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट है, अल्ट्रासोनिक ध्वनियों में वे ध्वनियाँ होती हैं जो डैश अल्ट्रासोनिक, ध्यान दीजिएगा, अल्ट्रासोनिक वे होती हैं जो 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक होती हैं। ठीक है, 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक होती हैं। नेक्स्ट है आपका, पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन है? तो इनके लेखक कौन है, यहाँ पर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। कौन है? APJ अब्दुल कलाम। इसका नाम है लक्ष्य 3 बिलियन। ठीक है, चलिए यदि नेक्स्ट की बात करें हम, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? तो कौन सा देश बंदरगाह विहीन है? यह मंगोलिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट की बात करें, हम लोग जरा दूरदर्शिता, ठीक है, जिसे हम लोग प्रेस्बा योपिया भी कहते हैं, का सही करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के लेंस का उपयोग या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? तो उसका इस्तेमाल करते हैं द्विफोकसी लेंस, बाईफोकल लेंस। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम NVHCP का लक्ष्य डैश तक देश भर में हेपेटाइटिस सी के व्यापक उन्मूलन को प्राप्त करना है। ये क्या है आपका? ये हो जाएगा कब तक? 2030। प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो। खजुराहो कहाँ है बात किया जाए, तो है MP में। नेक्स्ट है, लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले तरल पदार्थों में से एक है, क्या है? एक आपका है अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल है। जो भी गलत क्वेश्चन या डाउट हो, जरूर कमेंट में बता सकते हैं आप लोग, उसको जरूर देखा जाएगा। प्रत्येक लोगों का कमेंट चेक किया जाता है। आप लोगों की जो सपोर्ट और लव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, उसैन बोल्ट ने IAAF पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड डैश बार जीता। तो कितनी बार जीता है? यह जीता था 6 बार, 6 टाइम। ओके, जो इंग्लिश वाले भाई हैं परेशान ना हो, क्या करें, हम समझ सकते हैं आप लोगों का दर्द। बस एग्जाम 31 को समाप्त हो जाए, ऑल बीट यू और बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश, प्लीज अंडरस्टैंड। ठीक है, अब समझने की कोशिश करिए प्लीज। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने अपने संतरों के उत्पादन के लिए भौगोलिक संकेतक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त किया है? किसने किया है? यहाँ पे हो जाएगा कुर्ग। ठीक है, चलिए, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि नहीं लाया जा सकता, बस समझ जाइए कि अगर ला देंगे वहाँ पे तो टाइपिंग करने में ही समय चला जाएगा, और मैं अकेले सब कुछ करता हूँ, टाइपिंग करना और उसको फिर इसमें मॉडिफाई करना, बहुत समझ जाइए कि हो जाएगा प्रॉब्लम उसमें।
ठीक है, समय ही नहीं है, वो किसी को नहीं मिल पाएगा, ना हिंदी वालों को मिल पाएगा, ना इंग्लिश वालों को मिल पाएगा। इसीलिए यहीं पे अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करिए, नहीं होगा तो फिर हम 31 के बाद पूरे बोथ लैंग्वेज में आएगा, चाहे जो भी एग्ज़ाम की बात कहेंगे, और जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी आप आगे करवाना है, ज़रूर आप लोग कमेंट करिए कि हाँ इस चीज़ की आप आगे वीडियो दीजिए, GS का चाहे जिस पोर्सन का। ठीक, चलिए। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा में लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? अध्यक्ष, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट की बात करें हम लोग, तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर के मामले में दूसरा है, दूसरा स्थान है? किसका है दूसरा स्थान? तो इसका हो जाएगा आपका यह लक्षद्वीप का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो सतनामी आंदोलन का स्थापना किसने की थी? ये की थी गुरु घासीदास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट की बात किया जाए तो निम्नलिखित में से किस शहर ने उस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी जिसने डिजिटल स्वास्थ्य पर एक घोषणा को अपनाया था? तो किसका हो जाएगा कौन सा? दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बढ़ती का नाम जिंदगी निम्नलिखित में से किस बैंक का टैगलाइन है? यह बैंक की टैगलाइन भी पूछा जा चुका है, पूछा जा चुका है कई एग्जामों में, हो जाएगा आपका एक्सिस बैंक का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें यदि हम लोग, तो हो जाएगा मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं की बात कर रहा है यहाँ पे, कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पे, हो जाएगा देखिए मुगल दरबार के इतिहासकार उन्हें महान ईरानी राजा अफसारियाब के वंशज के रूप में वर्णित करते हैं। ये कहाँ आपको हो जाएगा, ये गलत है यहाँ पे, ये सही नहीं है। और बाकी देख लीजिए, उज्बेक लोगों के द्वारा बाबर को उसकी मातृभूमि फरगाना से निकाल दिया गया, एकदम सही है। बाबर का संबंध अपनी माँ की तरफ से चंगेज खान से था, ठीक है, अपनी माँ की तरफ से चंगेज खान से था, ठीक है, और पितृपक्ष से तैमूर वंश से था, ठीक है, दोनों तीनों सही है यहाँ पे, बट पहला सही नहीं। नेक्स्ट की बात कर दी, एवरी वोट काउंट द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी नवीन चावला। कौन है? नवीन चावला है। नेक्स्ट की बात करें, कृषि के संदर्भ में बारानी शब्द का क्या अर्थ है? तो बारानी शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा वर्षा प्रधान खेती, वर्षा प्रधान खेती। चलिए यहाँ पे अनविजुअल हो गया है इसलिए इसको हटा देते हैं, ये दिख रहा है। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो दक्षिण एशिया के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बंजर या बैरन द्वीप। ठीक, बैरन द्वीप पर है। चलिए नेक्स्ट है, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक विकास में योगदान के लिए किसे यशवंत राव चौहान राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 दिया गया है? तो किसे दिया गया है बात की जाती है आपका रघुराम राजन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात है, तो नेक्स्ट है आपका कि भारत में पहले पूर्ण जनगणना वर्ष में कब की गई? आपका वर्ष हो जाएगा आपका 1881 ईस्वी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट की बात करें यदि, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है? तो कौन सा हो जाएगा आपका इसमें हो जाएगा प्राक्कलन समिति। क्या? प्राक्कलन समिति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 2018 के लिए निम्न में से किस खिलाड़ी को विजडन का अग्रणी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? किसे चुना गया है? अपने विराट कोहली है। ठीक, नेक्स्ट है, गूगल का एक ऐसा नया ऐप है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी में पाठन कौशल सिखाने में मदद करना है। तो कौन सा ऐप है उसका? यह बोलो ऐप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तापमान की SI इकाई क्या होती है? कौन सी होती है आपकी SI इकाई? यूनिट केल्विन हो जाएगी। ठीक, रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? ये कौन से नंबर के? 14वें राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट है, 1917 में महात्मा गांधी के गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया गया था? अब किसके समर्थन में किया गया था आपका? ये हो जाएगा आपका
कपास मिल की नहीं, गलत ये भी ये नहीं होगा, आपका पहला भी नहीं होगा। जिन आदिवासियों के प्रथागत अधिकारों का उल्लंघन ये भी नहीं है, उन महिलाओं के लिए जो दमदारी ये भी नहीं है, आपका हो जाएगा उन किसान किसानों के लिए, आपका कौन सा किसानों के लिए, ठीक, उन किसानों के लिए, उन किसानों के लिए जो फसल के विफलता और महामारी से प्रभावित थे, ठीक। चलिए यदि नेक्स्ट की बात की जाए, वह ब्याज की दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी लघु अवधि की ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए आरबीआई से धन उधार लेते हैं, को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, आपका हो जाएगा बैंक दर, किसके दर, बैंक दर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, यदि किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है, तो सभी लोगों को पता होगा यह क्वेश्चन, जरूर जरूर आप लोगों को देखिए, हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में लोग सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें सही नहीं की बात करिए ध्यान दीजिएगा, तो इसमें कौन सा सही नहीं है, हो जाएगा आपका अलाथी ओमान रहने वाली हैं, सही है। अब यह पुरस्कार कैलेस्ट्रियल बॉडी, अब सही है, भी सही है, और जोखा लार्थी ने यह पुरस्कार जीता है, भी सही है, बट अलार्थी यह पुरस्कार जीतने वाली दूसरी अरबी ये नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में रूस द्वारा शुरू किए गए परमाणु ऊर्जा संचालित आर्कटिक आइस ब्रेकर का क्या नाम है, तो वहाँ पर क्या नाम हो जाएगा आइस ब्रेकर का, यहाँ पर हो जाएगा यूराल, क्या है, यूराल। नेक्स्ट की बात करें यदि हम लोग, तो भारत के किस राज्य से खुर्जा मिट्टी के बर्तन संबंधित हैं, किस राज्य से खुर्जा मिट्टी के बर्तन संबंधित हैं, ये हैं उत्तर प्रदेश से, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, डैश ने 2019 में इटालियन ओपन में महिला एकल खिताब जीता, तो किसने जीता आपका, ये हो जाएंगे कैरोलिना प्लीस्कोवा, ठीक। नेक्स्ट है, डैश बैंक अपने माइक्रो एटीएम टैबलेट के माध्यम से आधार आधारित लेन देन के लिए आयरिस आँख की पुतली जो स्कैन प्रमाणीकरण सुविधा शुरू करने वाला देश का पहले बैंक बन गया है, कौन सा बन गया है आपका पहला बैंक, ये हो गया है एक्सिस, कौन है, एक्सिस। नेक्स्ट की बात करें यदि हम लोग, तो आईसीसी के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 डैश को बनाया गया है, क्या बनाया गया है वहाँ पर, हो जाएगा आपका ऋषभ पंत को, किसको, ऋषभ पंत को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं, तो किससे साक्ष्य मिले हैं आपके, हो जाएगा यहाँ पे कालीबंगा, ठीक है। चलिए इम्पोर्टेंट नेक्स्ट है, माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है, तो माथेरान नामक हिल स्टेशन आपका महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे डैश तरंगे होती हैं, कौन सी तरंगें होती हैं, इंफ्रारेड होती हैं, कौन सी, इंफ्रारेड होती हैं। नेक्स्ट है कि चुमोट किस राज्य की स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है, तो कौन सा है आपका, इसमें हो जाएगा गोवा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एफडीडी का फुल फॉर्म क्या है, एफडीडी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट है कि प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं की बात कर रहा है, कौन सा हो जाएगा सही नहीं, इसमें है आपका यूरेशिया प्लेट काफ़ी हद तक महासागरीय प्लेटें, गलत है आपका, और सब सही है, प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटें नई फोल्ड पहाड़ी रिजों खइयों और इन विच्छेदों से घिरी हुई हैं, एकदम सही है। टेक्टोनिक प्लेट क्षैतिज रूप से स्फीयर के ऊपर चलती हैं, भी सही है आपका, पृथ्वी की सतह को 7 प्रमुख प्लेटों में विभाजा गया है, विभाजित किया गया है, ये भी एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें भी सही नहीं की बात की जा रही है, इसमें इसमें कौन सही नहीं हो जाएगा आपका, हो जाएगा देखिए शिवालिक पर्वतमाला नदियों द्वारा लाए गए असमेकित अवसादों से बनी है, एक गलत हो जाएगा आपका, ठीक। चलिए और सब सही है, नेक्स्ट की बात करें हम लोग, निम्नलिखित में से किस राज्य को कसूती कढ़ाई के लिए जीआई टैग दिया गया है, कसूती कढ़ाई ध्यान दीजिए, कसूती कढ़ाई के लिए किसको दिया गया आपका, तो हो जाएगा कर्नाटक को, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अंकों के युग्म को बाइनरी कोड के रूप में जाना जाता है? आप सभी लोग पता होगा कौन, जीरो और वन, दो ही ऐसा है जो बाइनरी कोड के रूप में जाना जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसमें कौन नहीं है, लिनक्स नहीं है, लिनक्स एक सॉफ्टवेयर जो बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ओपन सोर्स का सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, इम्प्लायर ब्रांड रिसर्च 2019 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के सबसे आकर्षण नियोक्ता ब्रांड किसे निर्धारित किया गया है? किसे निर्धारित किया गया आपका, हो जाएगा अमेजन इंडिया को। किसे, अमेजन इंडिया को। नेक्स्ट की बात करें दी, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर अपने स्थान के साथ सही ढंग से मेल खाता है? देखिए सही ढंग से कौन मेल खा जाता है आपका, यहाँ पर हो जाएगा सोमनाथ विहार, नहीं गलत है, यहाँ पे मल्लिकार्जुन आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, केवल एक खरा सही। ठीक, सही। नेक्स्ट है आपका कि अष्टमुड़ी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो अष्टमुड़ी झील किस में स्थित है, केरल में आपका। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान NIMHANS कहाँ स्थित है आपका, हो जाएगा कहाँ स्थित है, ये हो जाएगा बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि बुर्ज होम नवपाषाण युगीन अस्तर डैश में से स्थित है, कहाँ पे स्थित है यदि बात किया जाए, तो हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें यदि हम लोग, तो 32 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर भारत के द्वारा कौन सा विकसित है, तो सभी लोगों को पता होगा आप लोगों को कौन सा है, परम है, UR2। ठीक है, डर्बी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो डर्बी ट्रॉफी किससे संबंधित है, घुड़दौड़ से। किससे, घुड़दौड़ से। चलिए नेक्स्ट है आपका, थोड़ा ये अनविजुअल हो गया है इसीलिए इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से चलिए यहाँ से देख लीजिए, द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे यहाँ पे, तो हो जाएंगे आपके अरुंधति राय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था? किसने अनुवाद करवाया था, तो हो जाएगा आपका चार्ल्स विल्किंस ने। कौन, चार्ल्स विल्किंस ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय, लॉर्ड कैनिंग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एक नवरत्न कंपनी है? नवरत्न कंपनी की बात करें कौन सी है, तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है। ठीक, चलिए नेक्स्ट की बात करें यदि, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो नहीं की बात कर रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, कौन सी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, अलकनंदा। ठीक, और सब प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करें दी, तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है चुनाव से भारत के राष्ट्रपति के, हो जाएगा अनुच्छेद 54, आर्टिकल 54। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? पहले उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे आपके, एम अनंत सयनम अयंगार। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में किसे लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा उपाध्यक्ष की बात कर रहा है, यहाँ पे अध्यक्ष की बात करता तो जीवी मावलंकन साहब हो जाते, गणेश वासुदेव मावलंकन। ठीक है ना, हाँ ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, जून 2019 में पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो यहाँ पे किसे नियुक्त किया गया, फैज हमीद को। किसे, फैज हमीद को, ध्यान दीजिए। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, महानदी पर। किस में, महानदी पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण ने मई 2019 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रिसैट RISAT-2B उपग्रह लॉन्च किया था? किसने लॉन्च किया था आपका, हो जाएगा किस उपकरण ने आपका, हो जाएगा यहाँ पे दलाई लामा।
कौन हो जाएगा, दलाई लामा। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे दलाई लामा कुछ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस उपग्रह ने मई 2019 में सतीश धवन अंतरिक्ष रिसैट उपग्रह लॉन्च किया था। यहाँ पे देखिए ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैमिंग शब्द शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से संबंधित है, ये है आपका लॉन टेनिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें तो पेरिस में 2003 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की लंबी कूद 6.70 मीटर प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर डैश ने पहली बार भारतीय पदक विजेता बनकर इतिहास रचा। कौन सा है आपका, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज। कौन है, अंजू बॉबी जॉर्ज हैं। नेक्स्ट की बात करें दी तो हो जाएगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, श्रीलंका कौन सी नदी सबसे लंबी, महावेली। ठीक है, पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बाग या बागों का शहर कहा जाता है, तो किस शहर को कहा जाता है आपको, यह लाहौर को। ठीक है, नेक्स्ट है जिजिया नृत्य का भारत के डैश राज्य में जन्म हुआ था, किस राज्य में, बिहार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था, तो यहाँ पे कौन था पहला भारतीय, यहाँ पे हो जाएगा मिहिर सेन। ठीक, चलिए नेक्स्ट है पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, तो ये किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, सितार से, किसे, सितार से, इम्पोर्टेंट है। अप्रैल 2019 तक की स्थिति के अनुसार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY में धोखाधड़ी को रोकने के लिए गणित IRDA इरडा जिसे कहते हैं और NHA के संयुक्त कार्य समूह के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो कौन बनाए गए हैं, यहाँ पे हो जाएगा दिनेश अरोड़ा। कौन है, दिनेश अरोड़ा। ठीक, चलिए यदि नेक्स्ट की बात करें हम लोग तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री की बात की जाए तो बलदेव सिंह थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि डोंगरी भाषा निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित राज्य में मुख्य रूप से बोली जाती है, तो यहाँ कहाँ बोली जाती है आपकी, यह बोली जाती है जम्मू कश्मीर में, कहाँ, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है कंप्यूटिंग में डैश एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले व जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी व नियंत्रण करता है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा देखिए फायरवॉल, ये बताया गया है कंप्यूटर वाले सेक्शन में, क्या हो जाता है, फायरवॉल हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट की बात करें तो किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया गया था, तो कौन सा वर्ष था उसमें, उस समय था 1858 था। नेक्स्ट की बात करें दी तो जून 2019 में विश्व का सर्वाधिक तापमान 46.6 डिग्री मध्य प्रदेश के डैश में रिकॉर्ड किया गया था, कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खरगोन में, कहाँ, खरगोन में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है बात आपकी कि अगला आप सॉरी आपका भला सबकी भला, आपका भला सबका भला, ये कौन सा किसका बैंक का टैगलाइन है, बंधन बैंक का, किसका, बंधन बैंक का। चलिए नेक्स्ट की बात करें दी तो निम्न में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किया था, तो किसने किया था आपका, तो हो जाएगा यहाँ पे टिम बर्नर्स ली, सभी लोग पता होगा ये इम्पोर्टेंट। ठीक, मेरा 300 वाला MCQ उसका जो कंप्यूटर का, जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, कंप्यूटर का जितने भी आप लोगों का डाउट सब क्लियर हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, वहाँ पे पूरे 100-300 MCQ कराए गए हैं। सोशल हार्मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो सोशल हार्मनी पुस्तक लेखक हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे यहाँ पे आपके, हो जाएंगे यहाँ पे नरेंद्र मोदी। ठीक, कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट की बात की जाए तो एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को क्या कहा जाता है, पतली परत को क्या कहा जाता है आपको, ये आपका हो जाएगा आंसर कैम्बियम, क्या कहा जाता है, कैम्बियम।
नेक्स्ट की बात की जाए, जापान का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार कहा जाता है, वर्ष 2019 में किसे दिया गया, ये किसे दिया गया, तो ये हो जाएगा आपका श्याम सरण को। किसको? श्याम सरण को। नेक्स्ट की बात कर दी तो निम्न में से कौन भारतीय सम्राट को महमूद गजनी ने अपने प्रथम आक्रमण में 1001 ईस्वी में हराया था, तो किसको हराया था, ये आपका हो जाएगा जयपाल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें दी, धरती की सबसे कड़ी और ऊपर की सतह या सॉलिड क्रस्ट को क्या कहा जाता है, तो आप सभी लोगों को पता हो जाएगा, पता होगा कि क्या कहा जाता है आपको, लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर कहा जाता है। रेडियो रिएक्टिविटी का एसआई मात्रक क्या है, रेडियो एक्टिविटी का एसआई मात्रक क्या, आपको सभी लोगों को पता होगा क्या होगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा बैक्रॉल। ठीक है, नेक्स्ट है कि 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की नई व्यावसायिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का आधिकारिक तौर पर डैश स्थान पर उद्घाटन किया गया, तो कहाँ पे उद्घाटन किया गया यदि बात की जाए, कहाँ पे उद्घाटन किया गया आपका, बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। ठीक, चलिए नेक्स्ट की बात करें यदि हम लोग, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, दो वस्तुओं कि उन संयोजनों को दर्शाता है, दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जो एक उपभोक्ता दिए गए बाजार मूल्य पर और विशेष आय स्तर के भीतर खरीद सकता है, तो कौन सा दर्शाता है क्या आपका, यह दर्शाता है बजट रेखा। क्या दर्शाता है? बजट रेखा दर्शाता है। नेक्स्ट है कि आँखों के आंसू निम्न में से किस ग्रंथ द्वारा स्रावित होते हैं, तो आपका किस ग्रंथ द्वारा स्रावित होते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड द्वारा। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन भारत के सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रहे हैं, तो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है यह आपका राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, तो ये रहा पार्ट टू का 100 MCQ जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिए, करेंट अफेयर का जितना भी इसमें मिला है मैंने कराया था, पिछला वीडियो सभी का सभी इसमें मैच होगा। ठीक है, करेंट अफेयर का भी देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, और जो लोग भी नए अभी भी हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लिए, सब्सक्राइब नहीं किए, इस चैनल से आप लोगों को निश्चित रूप से लाभ होगा, चाहे जिस एग्ज़ाम के लिए हो। ठीक, और अगला एग्ज़ाम का 31 के बाद किस चीज़ का तैयारी करवाया जाए जरूर कमेंट में लिखें, अगर कोई क्वेश्चन डिस्प्यूटेड रह जाता है, डाउट है, तो ज़रूर लिखें। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।